Chief Minister of Gujarat Bhupendra Patel held a meeting with officials over the flood situation in parts of Gujarat. Severe flooding in parts of Gujarat has led to submerged streets and homes as heavy monsoon rains continue to wreak havoc across South Asia. As per sources, over 20,000 people have been evacuated due to the flooding in Gujarat. With assistance from the Indian Air Force, a large number of people have been relocated to safer areas across the state. A total of 23,871 individuals have been moved from rain-affected regions, and 1,696 people have been rescued. The heavy rainfall has led to overflow of 15 rivers, 21 lakes, and various reservoirs, worsening the situation. CM Patel also conducted an aerial survey regarding the damage caused due to heavy rains in Jamnagar and Devbhoomi Dwarka, Kambalia areas. While speaking on the flood situation in Gujarat, the State Home Minister Harsh Sanghavi said that Gujarat CM met the people of Vadodara and inspected the city. Vadodara शहर में गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ने वडोदरा शहरीजनों से मिले, निरीक्षण किया एवं कलेक्टर ऑफिस में सभी चुने हुए प्रतिनिधि एवं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के साथ बैठक करके कई महत्वपूर्ण निर्णय और कई महत्वपूर्ण सूचना उन्होंने दी है। सबसे पहले वडोदरा के सभी चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा वडोदरा के लिए विश्वामित्री रिवर रिवाइवल एंड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए खास मांग रखी गई। मुख्यमंत्री जी ने कुछ ही सेकंड में वो प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक अप्रूवल दिया है। 1200 करोड़ के आसपास ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को तुरंत ही ये प्रोजेक्ट पे तैयारियां करके सरकार में वो प्रोजेक्ट रख के उसको तात्कालिक ये प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द चालू करके इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें म्युनिसिपल कमिश्नर, कलेक्टर एवं सभी विभाग के लोग इस पे काम करेंगे और जल्द से जल्द सरकार में ये प्रोजेक्ट को भेजेंगे। साथ में मुख्यमंत्री जी ने सफाई, स्वास्थ्य, रोड एवं बिजली, ये तात्कालिक ये सभी कामों के लिए लोगों को लगाए हैं। बाहर से जो टीम भेजी गई थी उसमें भी कई और टीम भी आज रात को वडोदरा शहर के लिए भेजी जाएगी। करीबन 3500 से 4000 लोग कुल मिला के वडोदरा शहर एवं बाहर से आए हुए सफाई कर्मचारी साथ में मिलके आज रात को जहां पे भी पानी आज शाम तक हट गया है, पानी निकल चुका है, वो सभी क्षेत्र को साफ किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर की जाएगी, सभी का जीवन सामान्य रूप से जी पाए ऐसी व्यवस्थाएं तात्कालिक वहां पे उपलब्ध करवाई जाएगी। खास तौर पे कैसडोल की व्यवस्था आज से ही लोगों को दिए जा रहे हैं, उसमें और जल्द कैसे काम किया जाए उसके लिए भी व्यवस्थाएं खड़ी की गई है। उसी के साथ जो नुकसानी हुई है उसका सर्वे और सर्वे के साथ वो रिपोर्ट जल्द से जल्द सरकार में रजू किया जाए, जिसके आधार पे सरकार पैकेज नक्की कर पाए। ये सभी व्यवस्थाएं राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जी के निर्देश से काम चालू किया गया है।